नमस्कार साथियों, कैसे हैं? एक कहावत है हिंदी में, बूढ़े तो उतने कुरान नहीं पढ़ते। तो खैर, कहावत क्यों कह रहा हूँ, तोते कुरान ना पढ़ें, लेकिन मेरी इच्छा थी कि कुछ इंग्लिश सीख लूँ और कभी बोलूँ। हमेशा 50 साल की उम्र है, हमेशा नानी यादा थी बोलने में। तो दो दोस्त मेरे, अलंकार रस्तोगी और राहुल शर्मा जी और यूट्यूब, तीन दोस्त, तीनों ने मेरी मदद की। अब भैया कोशिश कर रहा हूँ बोलने की कि हेजिटेशन ख़त्म हो जाए 50 साल की उम्र में। आप लोगों को ये संदेश है कि बस कि आप भी कुछ करना चाहो कर लो, ये सोचो ना कि उम्र इतनी हो गई। खैर, इसी क्रम में रोज एक स्टोरी सोचता हूँ और ग्रामर की दृष्टि सही है कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन प्लीज़ करेक्ट इट। ये कहानी है समाज में उन लोगों की जो अपने खुशी से जो है अपनी खुशी की नहीं देखते हैं, दूसरों की खुशी को देख के जलते रहते हैं, ये कोशिश नहीं करते हैं कि हम खुश रहें। द स्टोरी का नाम था स्नेक एंड फायरफ्लाई। फायरफ्लाई जुगनू को कहते हैं, सभी को मालूम है। वंस अपॉन ए टाइम इन ए फॉरेस्ट देयर वाज ए फायरफ्लाई। वन डे फायरफ्लाई वाज स्टैंडिंग ऑन ए ट्री। सडनली ए स्नेक सा हिम। व्हेन फायरफ्लाई सा स्नेक, he started trembling and ran very fast. When snake saw firefly, he started chasing. Snake chased him for many kilometers. When firefly was exhausted too much, he stopped and he said to snake, brother, what do you eat? Do you eat firefly? Snake said, no, I never eat firefly. Firefly asked, then why are you chasing me? I am a very little insect. After this, firefly again asked snake, brother, did I harm you in the past? Snake said, no. Firefly asked his third question, then why are you chasing me? What is my blame? What is my blame? Please tell me. I request you to tell me. You don't eat firefly and I did not harm you. Even then, please, I request you to explain it. Snake answered, brother, you are shining here and there. Each and every elephant see you, elephants, creatures, your animals, plant, everybody see you. But nobody see me. This is the problem. Why are you shining? Your shining is the real problem for me. Friend, this is the story of firefly and snake in
इन द सोसाइटी ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सन फाउंड हु हैव दिस नेचर दे आर इंडल्जिंग योर प्रॉब्लम एंड जेलस टू दोज पर्सन हु आर ग्रोइंग who are progressing in life, but it is our duty, we should not jealous to those fellow, we should reserve and conserve our energy and always go ahead, always remember sky is the limit. साथियों जैसे आप देख रहे हैं कि मैं लिखा रहा हूँ, मेरी नानी याद आ रही है इंग्लिश बोलने में, लेकिन ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ। खैर इंग्लिश की मिस्टेक बताते रहिए और साथियों मिलता हूँ। हम ये इंग्लिश इम्प्रूवमेंट क्लासेस है मेरा, एकलव्य फार्मूले से जो है, एकलव्य जैसे प्रैक्टिस कर रहा था वैसे ही मैं कर रहा हूँ। साथियों मिलता हूँ फिर।